नमस्कार, मैं अनुष्का, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की 30 बड़ी खबरों की ओर। टेस्ला कंपनी के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क द्वारा ट्विटर डील खत्म करने के बाद अब कई खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मस्क ने डील खत्म करने के पहले ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को धमकी भरे कई मैसेज भेजे थे। उन्होंने चेतावनी संदेश में पराग को सूचित किया था कि आपके वकील वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी मांगने के बाद परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोक ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने के लिए लताड़ा और कहा कि यह राजद नेता की आदिवासी विरोधी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने मुर्मू को मूर्ति कहकर उनका अपमान किया। इससे पहले विपक्ष के चेहरे यशवंत सिन्हा के लिए तेजस्वी ने अपनी पार्टी के समर्थन की घोषणा की है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी व शिंदे गुट पर हमला बोला है। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र अब दिल्ली के सामने झुकने वालों के हाथों में चला गया है। शिंदे गुट ने बगावत हिंदुत्व के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए की। उद्धव ठाकरे दिल्ली के लिए चुनौती बन रहे थे, इसलिए शिवसेना को तोड़ा गया। शिंदे गुट को बीजेपी द्वारा शिवसेना कहना बाला साहब ठाकरे के साथ बेईमानी है। श्रावणी मेला यूं ही विश्व प्रसिद्ध नहीं है, कहा जाता है कि विदेशों में भी इसकी चर्चा है। इंग्लैंड से आकर सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर इंग्लैंड की रेबिका अपने पति के साथ कांवड़ लेकर बाबा धाम के लिए पैदल रवाना हुई। उसके पति भागलपुर के रहने वाले हैं और इंग्लैंड में नौकरी करते हैं, जबकि रेबिका इंग्लैंड में शिक्षिका है। पूर्वोत्तर राज्य में देर रात धरती हिलने से हड़कंप मच गया। मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 दर्ज की गई है। हालांकि भूकंप की वजह से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके मणिपुर के मोइरांग के ईस्ट और साउथ ईस्ट हिस्से में महसूस किए गए हैं। भूकंप की गहराई केंद्र में 94 किलोमीटर मापी गई है, जबकि भूकंप का केंद्र राजधानी से 66 किलोमीटर दूर था। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ उसको लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने शनिवार को जेडीओ और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो पर हमला बोला। राकेश सिन्हा ने कहा कि पकड़े गए लोग पीएफआई के थे, टारगेट पर पीएम नरेंद्र मोदी थे। 11 जुलाई की घटना है, 12 जुलाई को पीएम मोदी पटना आए थे। राकेश सिन्हा ने कहा कि 2013 में गांधी मैदान में हुए रैली में भी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया गया था। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश से दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना हो गया है। नोएडा में भी बारिश जारी है, इसके साथ ही ठंडी हवा चल रही है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो आज 17 जुलाई को दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस में संचालित पीएफआई के दफ्तर से जब्त रजिस्टर यानी कि लाल डायरी पटना पुलिस के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो रही है। रजिस्टर में दर्जनों लोगों के नाम, पते व मोबाइल नंबर दर्ज पाए गए हैं। ये सभी दफ्तर में होने वाली मीटिंग व प्रशिक्षण में भाग लेने आते थे। इनमें पटना के अलावे बिहार के दरभंगा, नालंदा, कटिहार, अररिया, मधुबनी, मोतिहारी, सारण समेत कई अन्य जगहों के लोग शामिल रहे हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस में जमकर धमाल मचाया। अब कार्तिक अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म का नाम है शहजादा, जिसके नई रिलीज डेट के साथ उन्होंने हाल ही में अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। कार्तिक ने फिल्म से अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि #शहजादा_returns_home_10/फरवरी_2023। बिहार में काम नहीं मिलने के कारण लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसके कारण लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। आए दिन राजधानी के रेलवे स्टेशनों पर पलायन की तल्ख सच्चाई दिखती रहती है। शनिवार को दानापुर स्टेशन पर सिकंदराबाद एवं जनसाधारण पकड़ने के लिए लोगों की भीड़ और तांता लगा हुआ मिला। बात करने पर पाया गया कि लोग अपना बिहार छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर उनके लायक काम नहीं है। ऊपर से बारिश नहीं होने से खेती किसानी भी हो नहीं पा रही है। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 20,528 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह ये जानकारी दी गई। हाल के दिनों में देश में गुरुवार से लगातार 20,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक 49 और लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,25,709 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 2,689 की वृद्धि हुई। ऐसे में देश में अब कुल सक्रिय मामले बढ़कर 1,43,449 हो गए हैं। तो वहीं 17,790 लोग बीमारी से ठीक भी हुए हैं।
इंडिगो की शारजाह हैदराबाद फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान के कराची में लैंड करा गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट ने एयरक्राफ्ट में यह खराबी नोट की, इसके बाद प्लेन को कराची में लैंड कराने का फैसला लिया गया। फिलहाल एयरपोर्ट पर इस विमान की जांच की जा रही है। पैसेंजर्स को कराची से वापस लाने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं पिछले 2 हफ्ते में कराची में भारतीय एयरलाइन की यह दूसरी लैंडिंग है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि बीते 8 साल में लाखों किसानों की आय दोगुनी हो गई है और इसका श्रेय केंद्र तथा राज्यों, सरकारों, वैज्ञानिकों और कृषक समुदायों के हर ओर से किए गए प्रयासों को जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार एक ई पुस्तिका भी तोमर ने जारी की। इस पुस्तिका में 75,000 ऐसे किसानों की सफलता की कहानियां हैं जिनकी आय बीते 8 वर्षों में दोगुनी या अधिक हो गई है। केवल 548 दिनों में देश की जनता को 199.98 करोड़ यानी कि लगभग 200 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। बीते दिन सरकार ने देश भर में 25,59,840 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई है। अब तक कुल 101.90 करोड़ से ज्यादा पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं देश भर में लोगों को लगाए गए दूसरे डोज का आंकड़ा 92.59 करोड़ है। डॉक्टरों द्वारा बूस्टर डोज लगाने की हिदायत दिए जाने के बाद सरकार ने अब तक कुल 5.49 करोड़ वैक्सीन भी लगा दी है। श्रीलंका इस वक्त आर्थिक और राजनीतिक की गहरी संकट से बुरी तरह जूझ रहा है। तो वहीं राजनीतिक उथल पुथल जारी है। ऐसे में अगले महीने होने वाले एशिया कप सवालों के घेरे में है। श्रीलंका की गंभीर हालत को देखते हुए एशिया कप को हुए एशिया श्रीलंका से बाहर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो वहीं एशिया कप को लेकर एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एशिया कप 2022 UAE में हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सैन्य हार्डवेयर क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। जल्द ही प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों में बहुसंख्यक हिस्सेदारी के साथ आवश्यक हथियार प्रणाली का निर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आवश्यक हथियार प्रणाली का निर्माण करने की भी इजाजत मिलेगी। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ प्राइवेट सेक्टर की इस भागीदारी का पहला परीक्षण इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के विकास और निर्माण में किया जाएगा। टेक कंपनियों और मीडिया हाउस के बीच रेवेन्यू को लेकर दुनिया भर में लंबे समय से विवाद है। डिजिटल मीडिया और न्यूज़ पब्लिशर्स का कहना है कि गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियां सोर्स के तौर पर उनका कंटेंट इस्तेमाल कर रही है। इससे कंपनियों को तगड़ा मुनाफा होता है, लेकिन मीडिया हाउस को इसके बदले में भुगतान नहीं किया जाता। इस मामले में अब सरकार भी एक्टिव हो गई है। टेक कंपनियों पर लगाम कसने के लिए अब केंद्र सरकार मीडिया हाउस की कंटेंट का इस्तेमाल करने पर भुगतान को लेकर IT कानून लागू करने की दिशा में काम करी है। इस तरह का कानून ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस में पहले से लागू है। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा कर दी है। इस दल में 215 खिलाड़ियों के अलावा 107 अधिकारी एवं सपोर्ट स्टाफ है। इन खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होना है। भारत गोल्ड कोस्ट में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों की तालिका में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था। अब की बार टीम की कोशिश अपने प्रदर्शन में सुधार करने की होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं पर लगी GST को वापस लेने की मांग की है। IMA ने शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा। इस लेटर में IMA ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर 18 जुलाई के बाद से लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को वापस लिया जाए। अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक में केंद्र कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने देश में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था कि लंबित मामले 5 करोड़ होने जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और सरकार के बीच समन्वय से लंबित मामलों को कम किया जा सकता है। तो वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू के इन चिंताओं का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन ने जवाब दिया है। CJI NV रमन ने लंबित मामलों में बढ़ोतरी की वजह न्यायिक रिक्तियों को भरना बताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। ललित मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुष्मिता के लिए इश्क का इजहार किया था। सोशल मीडिया पर इस बात का मजाक भी उड़ा और लोग हैरान भी हुए। अब सुष्मिता शांति और सुकून की चाह में खड़ी नजर आ रही है। नई फोटो शेयर कर सुष्मिता ने लिखा कि आह कितनी शांति है और शोर खत्म करने की पावर कितनी अच्छी है। उन्होंने फोटो क्रेडिट अपनी बेटी अलीशा सेन को दिया है।
केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू ने अदालतों में स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की पुरजोर वकालत करते हुए शनिवार को कहा कि अदालत की भाषा अगर आम भाषा हो जाए तो हम कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अंग्रेजी बोलने वाले वकील की फीस ज्यादा क्यों है और क्यों उसे ज्यादा इज्जत मिले। मंत्री ने कहा कि मातृभाषा को अंग्रेजी से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। शिवसेना नेता दीपाली सैयद के एक ट्वीट के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में नए और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम होंगे। दीपाली सैयद ने अपने ट्वीट में कहा कि यह सुनकर बहुत अच्छा लगा है कि अगले दो दिनों में आदरणीय उद्धव साहब और आदरणीय शिंदे साहब शिव सैनिकों की भावनाओं पर चर्चा करने के लिए पहली बार मिलेंगे। साफ है कि शिंदे साहब शिव सैनिकों की तड़प को समझते थे और उद्धव साहब ने परिवार के मुखिया की भूमिका बड़े दिल से निभाई थी। इसमें मध्यस्थता में मदद करने के लिए भाजपा नेताओं को भी धन्यवाद। एक हॉटस्पॉट इंतजार रहा होगा। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए रविवार को महिला एकल फाइनल में चीन की वांग जी यू पर शानदार जीत दर्ज कर ली। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। 11वीं रैंकिंग पर काबिज वांग जी ये को हराकर सिंधु ने पहला सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। यह उनका पहला सुपर 500 टाइटल है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु का यह इस साल का तीसरा खिताब है। इस मुकाबले में सिंधु ने 21-9, 11-21 और 21-15 से मात दी। फर्जी क्रिकेट लीग T20 कराकर करोड़ों का सट्टा लगाने वाले मेरठ के अशोक चौधरी ने देश के कई राज्यों में करोड़ों की संपत्ति बना ली। मेरठ के अलावा गोवा और दिल्ली में भी अशोक चौधरी की संपत्ति होना बताया जा रहा है। हापुड़ पुलिस की टीम अशोक चौधरी की संपत्ति तलाशने के लिए मेरठ पुलिस से भी मदद मांग रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की बहुचर्चित इंडियन प्रीमियर लीग आज दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लीग बन चुकी है। साल 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और उस वक्त ललित मोदी का चेहरा सामने आया था जिसने इसकी पहल की थी। तो वहीं आज इस टूर्नामेंट की सफलता को लेकर मोदी ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि इस टूर्नामेंट को उन्होंने ही अकेले दम पर खड़ा किया है। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में सोमवार को करीब 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत है और उनके पक्ष में 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवनों में होगा जिसके लिए मत पेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंच चुकी है। टाटा मोटर्स अपने हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल को जल्द ही भारत में लॉन्च करने वाला है। टाटा की हैरियर एक SUV है और भारत में काफी पसंद की जाती है। आपको बता दें कि इस SUV को पहले कंपनी ने डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया था लेकिन इसके फेसलिफ्ट मॉडल को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करने वाली है। टाटा हैरियर के फेसलिफ्ट मॉडल में कंपनी इंटीरियर एक्सटीरियर में काफी बदलाव करने वाली है। पिछले दिनों भारत की आधिकारिक जर्सी पहनने एक वृद्ध महिला गले में ढेरों मेडल लटकाए अपने देश की धरती पर उतरी तो लोगों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। ढोल की थाप पर बड़ी सादगी से परंपरागत हरियाणवी नृत्य करते हुए यह महिला भगवानी देवी है जिन्होंने दुनिया के खेल के नक्शे पर भारत के नाम की स्वर्णिम मोहर लगाई है। वह इस उम्र में भी जवानों से ज्यादा जवान है और फिनलैंड वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप से 3 मेडल लेकर लौटी है। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी ड्रोन्स की घुसपैठ की कोशिशें जारी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने रविवार को जम्मू कश्मीर में सांबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक और पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हुए देखा। ताजा इनपुट के अनुसार बीती रात सतर्क सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन की गतिविधि का पता लगाया गया था। ड्रोन करीब 15 मिनट तक हवा में रहा लेकिन बाद में उसने वापस पाकिस्तान की ओर उड़ान भरी। इसे हवा में 300 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने कमेंट किया उनके नाम है आलोक कुमार बासवान, नूरू कुमार, मार्क राइडर, सुमन सौरभ यादव, नितेश गोप, जितेंद्र कुमार, सिद्धार्थ कुमार, मोहम्मद सज्जाद करीम, शंकर राजा, रवि शंकर, सत्यनारायण मंडल, प्रिंस कुमार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कमेंट में अपने जवाब देते रहें, हम हर वीडियो में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार रोजगार को लेकर बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे कामों से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।